नेक्स्ट टेक्नो की तरफ से और इन्फिनिक्स की तरफ से बहुत सारे मोबाइल्स लॉन्च होते रहते हैं इंडिया मार्केट में। और यार ये जो मोबाइल्स होते हैं ना, ये अक्सर कभी कभी होता है कि इन्फिनिक्स बहुत अच्छा मोबाइल लॉन्च कर देता है, कभी कभी टेक्नो बहुत अच्छा मोबाइल लॉन्च कर देता है। बट मोस्टली ये जो लोग हैं वो ऑफलाइन मार्केट को ही टारगेट करते हैं और प्राइस के हिसाब से उतनी वैल्यू प्रोवाइड नहीं करते जो हमें ऑनलाइन मार्केट में रेडमी, रियलमी और भी कंपनीज़ हैं, माइक्रोमैक्स वगैरह, इनकी तरफ से हमें मिल जाती हैं। तो ऐसे ही इन्होंने एक फ़ोन को और लॉन्च किया है, इसका नाम है टेक्नो स्पार्क 7 प्रो और इसका हम क्विक कंपेरिजन करने वाले हैं इसी की एक कंपनी इन्फिनिक्स हॉट 10S के साथ में। इसी की कंपनी क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि टेक्नो और इन्फिनिक्स के जो फ़ोन होते हैं ना वो लगभग सिमिलर से होते हैं और ये अलग अलग ब्रांड के नाम से फ़ोन को लॉन्च कर देते हैं जिनका कोई तुक बनता नहीं है और फिर बस थोड़े बहुत कस्टमाइजेशन होते हैं और इसके अलावा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो बेसिकली मेरा एक क्विक ओपिनियन भी होगा ये और एक ऑनेस्ट ओपिनियन ही होगा उसके बारे में, टेक्नो स्पार्क 7 प्रो के बारे में कि यू शुड बाय और नॉट, और इसके अलावा आप कौन कौन से फ़ोन को ट्राई कर सकते हो, या फिर अगर आपको इन्फिनिक्स और टेक्नो के फ़ोन लेने हैं इन दोनों फ़ोन में से तो आपको किसकी तरफ जाना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मेरा नाम है एम के सिंह और आप देख रहे हैं टेक्निकल एम के सिंह यूट्यूब चैनल। अगर आपको ऐसी वीडियोज़ में इंटरेस्ट है, टेक वीडियोज़ अच्छी लगती हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको डेली टेक वीडियोज़ देखने के लिए मिलती रहें। सबसे पहले हम बात करते हैं डिज़ाइन की और लुक की। अब डिज़ाइन लुक बिल्कुल चेंज हो चुका है, नाम चेंज हो चुका है। पीछे की तरफ आपको लंबी सी स्ट्रिप में टेक्नो में कैमरा मिलते हैं और एक पीछे की तरफ आपको स्क्वायर इस शेप में मिलते हैं आपको इन्फिनिक्स हॉट 10S के अंदर। तो डिज़ाइन थोड़ा चेंज है बट यार जो स्पैक्स है ना कैमरा की वो सेम टू सेम है। पहली बात हम डिस्प्ले की बात कर लेते हैं। डिस्प्ले एक तरफ पंचोर हमें मिलती है और एक तरफ हमें वाटर ड्रॉप नॉच के साथ में मिलती हैं। दोनों ही 90 हर्ट्ज़ के रिफ्रेश रेट में आती हैं और दोनों ही एक HD+ डिस्प्ले हैं। 6.82 इंच की डिस्प्ले हमें मिलती है इन्फिनिक्स हॉट 10S में और 6.6 इंच की मिलती है टेक्नो वाले फ़ोन में। तो एक लंबी डिस्प्ले है, बड़ी डिस्प्ले हमें इन्फिनिक्स हॉट 10S के अंदर देखने के लिए मिल जाती है। गेमिंग वगैरह करने में और आपके जो वीडियो वगैरह देखने में एक अच्छा रेस्पॉन्स मिलेगा आपको, ये क्लियर है। बट HD+ क्वालिटी है यार, ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। बाकी 4+64GB का दोनों का वेरियंट हमें 9999 का मिल जाएगा। आप फ्लिपकार्ट पर इसको बाय कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। दोनों में हमें प्लास्टिक बैग देखने के लिए मिल जाती है। दोनों ही फ़ोन्स एंड्रॉइड 11 पर हैं और दोनों ही अपने अपने कस्टमाइज्ड UI के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। मिनीटेक हीलियो G80 और G85 दोनों में डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस है, बस इतना डिफरेंस है कि एक में नमक थोड़ी सी कम है और एक सब्जी में नमक थोड़ी सी ज़्यादा है, इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है। रेसिपी वेसिपी सब कुछ नैनोमीटर सब कुछ सेम है, एवरीथिंग सेम, बस आपको हल्की सी एक क्लॉक फ्रीक्वेंसी 950 MHz है GPU की G80 के अंदर, उसको 50 MHz बढ़ा दिया है और कर दिया है G85, पर इतना डिफरेंस है। तो लिटरली अगर हम कहें तो प्रैक्टिकल लाइफ में आपको कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा, सेम टू सेम गेमिंग एक्सपीरियंस एंड सेम टू सेम परफॉर्मेंस आपको मिलेगी। आप ये नहीं बता सकते देख के कि दोनों में से G80 किस में होगा और G85 किस में होगा, ज़्यादा कन्फ्यूज़ ना हुआ करिए। G80 और G85 में दोनों आपको सेम ही देखने के लिए मिल जाते हैं। टेक्नो में G80 मिलता है और इन्फिनिक्स में आपको G85 मिलता है, बट दोनों है सेम ही, तो आप इसकी तरफ से टेंशन फ्री रहिएगा, परफॉर्मेंस आपको लगभग सेम से ही देखने के लिए मिलेगी। कैमरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैमरा दोनों में सेम है, 8 MP की सेल्फी दोनों के अंदर मिलती है और रियर कैमरा में आपको केवल एक कैमरा मिलता है जो काम का है, बाकी सब तो वेस्ट ही है। जी हाँ मैं सही कह रहा हूँ, ट्रिपल कैमरे के नाम से आपको लूटा जा रहा है बट है कुछ नहीं, आपको सिंपल कैमरा जो मिलता है देखने के लिए वही मिलता है 48 MP का मेन कैमरा। बाकी आपको एक अननोन सेंसर मिल जाते हैं, नाम भी नहीं बताते हैं भाई, AI सेंसर के नाम से उसको लॉन्च कर देते हैं, और एक में आपको 2 MP का डेप्थ सेंसर मिल जाता है। तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, आप सिर्फ ये मान के चलिएगा कि आपको 48 MP का प्राइमरी कैमरा मिल रहा है। इस प्राइस में अल्ट्रा वाइड की नीड होती है जो कि ये फ़ोन्स प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। तो कैमरा के मामले में अगर आपको सिर्फ सिंपल पिक्चर क्लिक करना पसंद है, अल्ट्रा वाइड का आपको इतना मतलब नहीं है, तो फिर आप इसकी तरफ जा सकते हैं। बट इस प्राइस में आपको मार्केट में और भी ऑप्शन अवेलेबल हैं अल्ट्रा वाइड के साथ में। दोनों में हमें डेडिकेटेड SD कार्ड स्लॉट मिल जाता है, आप अपने जो मेमोरी है उसको एक्सपेंड कर पाओगे। फ्रंट और रियर दोनों कैमरा से ही आप फुल HD वीडियो एट 30 FPS रिकॉर्ड कर सकते हैं दोनों ही मोबाइल्स में। दोनों के अंदर ही हमें फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है जिससे आप अपने डिवाइस को अनलॉक कर पाओगे, ये आपको रियर साइड में बैक पैनल पर देखने के लिए मिलता है। 5000 mAh की बैटरी टेक्नो स्पार्क 7 प्रो में मिलती है और 6000 mAh की बैटरी हमें मिलती है इन्फिनिक्स हॉट 10S के अंदर। पर निगेटिव वाले पॉइंट की बात यह है कि यहाँ पर हमें दोनों के अंदर 10W का चार्जर ही देखने के लिए मिलता है और टाइप सी वगैरह नहीं मिलता, यहाँ पर आपको माइक्रो USB केबल यहाँ पर अवेलेबल है।
तो ये मैंने आपको बता दिया है प्राइस इसके 999 है। तो इन दोनों के कंपैरिजन आप अगर देखें तो सेम टू सेम है, ज़्यादा डिफरेंस कुछ भी नहीं है, बट डिस्प्ले साइज में थोड़ा सा डिफरेंस है। इन्फिनिक्स हॉट 10S थोड़ा सा बड़ा है, और इसके अलावा जो बैटरी कैपेसिटी है वो 1000 mAh ज़्यादा है इन्फिनिक्स हॉट 10S के अंदर। इसके अलावा A2Z यहाँ पर मोबाइल हमें देखने के लिए मिलता है। डिज़ाइन में आपकी इच्छा है, आपको कोई सा पसंद आ सकता है, कोई सा नापसंद हो सकता है, ये आपकी अपने ओपिनियन पर डिपेंड करता है। बट मेरे ख्याल से आपको इन दोनों में से अगर किसी को चूज़ करना है तो इन्फिनिक्स हॉट 10S मैं कहूँगा कि आपको उसकी तरफ जाना चाहिए, क्योंकि लंबी बैटरी, बड़ी डिस्प्ले आपको यहाँ पर अवेलेबल हो ही जाएगी। अगर आप इसके अलावा कोई और ऑप्शन चूज़ करना चाहते हैं अंडर 10,000, तो मेरे यहाँ पर दो ओपिनियन रहेंगे आपको। जो अंडर 10,000 है, बस थोड़ा सा 500 रुपये आपको पे करना पड़ेगा, वो भी आपको एक ओपिनियन मैं दे दे रहा हूँ यहाँ पर। अगर हम बात करते हैं अंडर 10,000 की, तो पोको M2 रिलोडेड जो रेडमी 9 प्राइम है, पोको M2 है, पोको M2 रिलोडेड है, तीनों फोन्स लगभग सेम ही आपको देखने के लिए मिलते हैं, और तीनों ही आपको अंडर 10,000 मिलते हैं, और काफ़ी अच्छे स्पेक्स हैं। अल्ट्रा वाइड का ऑप्शन भी इसके अंदर अवेलेबल है। इसके अलावा एक फ़ोन आता है हमारा मोटो का G10 पावर, काफ़ी मस्त फ़ोन है, काफ़ी गजब का फ़ोन है। अल्ट्रा वाइड और 48 MP दोनों का ऑप्शन आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप थोड़ा सा और पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं तो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है Narzo 20, वो भी काफ़ी बेटर फ़ोन है, उसकी तरफ भी जा सकते हैं। बट मेरे ख्याल से आपको अपने पसंद से जाना चाहिए। बाकी मोटो G10 पावर, इन्फिनिक्स हॉट 10S और रेडमी 9 प्राइम, इनके बीच में मैंने कंपैरिजन किया हुआ है, आप जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं और अपना एक ओपिनियन सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं पर्सनली बताऊँ तो अगर मुझे कैमरा की डिमांड होगी तो मैं जाऊँगा मोटो G10 पावर की तरफ। मुझे फुल HD प्लस डिस्प्ले और एक अल्ट्रा वाइड भी चाहिए, और मेन कैमरा भी चाहिए, सब कुछ बैलेंस चाहिए, तो मैं जाऊंगा रेडमी 9 प्राइम या फिर पोको M2 रिलोडेड की तरफ, जो कि मुझे तीनों ही फोन्स 9999 में देखने के लिए मिल जाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आ गया होगा आपको कौन सा डिवाइस बेटर लगा है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसी वीडियोस पाने के लिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।